ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨਰੈਸ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁਰਹਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਇਓ ਉਹ ਭਾਈ ਸਲਫ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਰਕਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ और हमने इनफैक्ट ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कुछ मौसम की वजह से तो हम जल्दी जल्दी में नहीं कर सके क्योंकि मैं जम्मू से आया हूँ। तो हमारी जो सिख तंजीमें हैं हम सब ने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे क्योंकि ये जो नाम निहाद इलेक्शन है हम ये समझते हैं कि ये हमारे काज को कमज़ोर करने का एक तरीका है। जो कश्मीर इशू है और जो यहाँ कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया था कि भाई इस कश्मीर मसले का हम हक़ खुद राजियत का जो प्रामिस किया गया था और वो आज तक पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद ये हिंदुस्तान ये जो इलेक्शन करवा रहा है हम ये समझते हैं कि ये दुनिया को हमारी जो तहरीक है उसको कमजोर करने के लिए उसको बदनाम करने के लिए और यहाँ पे जो हो रहा है आप देखिए यहाँ पे जो किलिंग हो रही है यहाँ जो पैलेट यूज की गई है कितने लोग अंधे कर दिए गए कितने लोग हमारी जेलों में है कितने घर जला दिए गए तो ये कौन सी इलेक्शन है। हम पूरी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आवाम है हम उनसे अपील करेंगे कि इस इलेक्शन का पूर्ण कंप्लीटली हम बाइकाट करें और क्योंकि ये हमारे काज को कमजोर करेगी और ये जो यहाँ पर काबज फौजे हैं जो काबज लोग हैं वो ये बाहर बदनामी करते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पे हम ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है लोग इनके साथ नहीं है लोग तहरीक के साथ नहीं है और खासकर जो हमारे लोगों ने यहाँ जो कुर्बानियां दी हैं मैं समझता हूँ कि ये शोधा के साथ भी गद्दारी होगी अगर हम वोट डालेंगे और खासकर मेरी सिख कम्युनिटी यहाँ पे जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनसे भी ये अपील है कि ये सिलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट करें और जो हमारा काज है हम उसको मजबूत करेंगे हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे हम हक का साथ देंगे।